बिहार से दिल्ली आ रही बस का दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है, वो 30 से ज़्यादा घायल है। उन्नाव की यह घटना हुई थी, जिसके बाद हम दिल्ली के इसकी पड़ताल के लिए निकले हैं। दिल्ली के अंदर यानी के जो बिहार को जाने वाली जो बसें हैं उनकी क्या स्थिति है, उनमें किस तरीके के सवारी जाती है और उस सवारियों की जाने की मंशा क्या है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम इस वक्त यानी कि गाजीपुर का जो EDM मॉल है उसके पास में एक पार्किंग है उसके अंदर है। आप देख सकते हैं जो EDM पार्किंग है इसके अंदर यानी कि करीब यानी कि 50 बसें इस वक्त यानी कि खड़ी हैं और इनका जो है जो दिल्ली से बिहार और पूरी यूपी का जो इनका बस स्टॉपेज है उन पर जाती है। इस तरीके से यानी कि आप बसों की संख्या देख सकते हैं, बस कितनी है और जो बसों के अंदर जो सवारी बैठी है साफ नज़र आती हैं। ऐसे में हम इन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो ये सवारी के रूप में यानी बिहार जाना है। सर आपको कहाँ जाना है, क्या नाम आपका? मैं धनंजय उपाध्याय, मुझे जाना है देवरिया। देवरिया जाना है, तो यानी कि आपने क्यों चुनी है? दरअसल मैं 17 मई को टिकट कराया था बिहार संपर्क में, और मेरा वेटिंग जब मैंने कराया तो 6 वेटिंग था, और आज सुबह मैसेज आया कि आपका 2 वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ। अब मुझे पहुंचना है देवरिया, जिसके लिए मुझे ये विकल्प चुनना पड़ा। लेकिन यहाँ की भी व्यवस्था हमको बहुत अच्छी नहीं लगी। क्या महसूस किया आपने यहाँ आने के बाद, कितने का टिकट है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने स्टेशन से मैं एक एजेंट कह लीजिए या उनके माध्यम से मैं आया, मैं उनको 1300 रुपये दिया, लेकिन मैं बस नहीं देखा। वहाँ से मैं 1300 रुपये दे के वो बस में हमको ला के बस दिए। बस की स्थिति अच्छी नहीं है। जो 2 आदमी का टिकट अलाट होना चाहिए, 2 आदमी का सीट अलाट होना चाहिए, उसमें 4 आदमी को बैठाया गया। ये कहीं से जेन्युइन नहीं है, ये सरासर धोखा है। अगर आप उसको कहते कि उसमें हम आपको 4 बैठाएंगे तो हम कहते कि हमको 2 वाला दीजिए, हम आपको पैसा अफोर्ड करते, देते और चलते। दूसरी बात, अभी आपके द्वारा पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, ये बसों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए, ड्राइवर की व्यवस्था सुधरनी चाहिए, ड्राइवर भी 2 होने चाहिए और उस ड्राइवर का परीक्षण होना चाहिए कि जिससे वो किसी भी गलत नशे में ना हो, नशे में गाड़ी ना चलाए। सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा है, जाएंगे कैसे लोग? हमारे साथ हुआ, 17 मई का टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, मुझे जाना है तो मुझे विकल्प खोजना है, तो हम आएंगे। लेकिन ये व्यवस्था भी सुदृढ़ होना चाहिए, ये भी थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए। हम उन लोगों से बात करते हैं जो सवारी है। क्या नाम आपका, आप कहाँ जाना है? मोहम्मद साजिद। कहाँ जाना आप? सुल्तानपुर। कितना टिकट है? 1000। 1000 का? क्या आपने रेलवे ट्राई किया था? जी नहीं, रेलवे ट्राई नहीं किया। आप सीधे यहीं पर आए? जी, आ रहे थे रोडवेज के पास, वो एक आदमी मिला, बोला कि इधर आ जाओ, बस खाली है, चलते हैं। एजेंट आपको यहाँ पर? जी। जो व्यवस्था है आपको अच्छी लगी? नहीं, व्यवस्था तो अच्छी नहीं लगी, बोला आधे घंटे में छूट जाएगी बस, अभी 2 घंटा हो गया खड़े खड़े, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में यानी कि आप क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं, जब एक्सीडेंट हुआ है उन्नाव के अंदर, यानी जो बिहार से बस आ रही थी दिल्ली, इस टाइप की बस थी वह भी, तो उसके बाद आपको क्या डर महसूस कर रहे हैं? जी डर तो महसूस हुआ है, दुखद घटना है, महसूस तो होगा ही डर, लोग नशे में गाड़ी चला रहे हैं सुनने में आया। आपका क्या नाम है आप सब? मेरा नाम मोतीलाल चौधरी, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आप कहाँ जाना? मैं जाएगा गढ़वा जिला जाएगा मैं। यहाँ से बस से जाएंगे आप? जी मैं बस से जाऊँगा। कितना टिकट लिया आप? मेरा टिकट लेगा 1400 रुपये का। 1400 का? क्या रेलवे ट्राई किया था आपने? कैसा बोला? रेल के लिए मैंने ट्रेन से मैं जाने के लिए सोच रहा था, ट्रेन मेरा शाम को 9 बजे है, ठीक है, मैं अभी जाने वाला सोच रहा था कि मैं वही जाएगा बस से। अब बस से ऐसा किया, मेरे को स्लीपर को टिकट पैसा लिया, और मेरे को टिकट पैसा स्लीपर को लिया और मेरे को सीट दिया बैठने का। आपको पैसा स्लीपर का दिया आपने, सीट बैठने के दिया, आपको स्लीपर नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया। तो ऐसे में जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर इनका कहना है कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इनको एजेंट के थ्रू यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद इनके यानी कि जो स्लीपर की बात करने के बाद इनको सीट पर दी जाती है। विजिलेंस प्रशांत के साथ राम कुमार, ABP News दिल्ली।